ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन हो। सत्य गुरु मैं पाया, सतपुरता पाया, सहज से मिल मन बनिया श्री
साहिब की सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो बोलो सहारान सदान दाना सदान नाम श्री अमृतसर जी ने दर्शन माया मनु न विसरे मन के तन्मा
कम सुप्रभ चेतना आवे नानक नहीं करम। अपनी जीव करके पंजे खान पीन की तहाल हर वे खान पीन की गल हर वे खान पीन की गल शुरू हो गई। एक पासे ट्रेन चलती है एक पासे उहदी अपनी जवान चलती है। कहिंदे किसे होटल विच आप कुक दा काम करदा सी, बस खाण पीण दीआं गल्लां कीतीआं भोपाल शहर तक। तेरी बस दी गल नहीं, तेरी अवस्था ही खाण पीण दी, बस गल्लां ही खाण पीण दीआं ने। साडा भी उही हाल है, किवें कर दिओ चार जी जिथे बह के बस गल ही खाण पीण दी है। आ खा लईए आ खा लईए आ खा लईए आ पी लईए। पर जिहड़े अन्न पाणी मैं बेनती होर करा तरीक तरीक खाया मूह निकला अरण बरण मूह निकला। कहते ये जरा तू खाना है जरा कि मूह कुछ भी कढ़ा सकता है। तेन यही जे पराए की सूची भुल जाती है भी मेरा अपना कौन है पराया कौन है। कहते उस वेले गुरु साहब को कहना पाया तरीक तरीक जरूरी है, पर इन्नी भी ना हो माता सविंदर कौर जी उन्हां दे जीवन दे प्रथाए अपा जिहड़ियां गल्लां मैं बोलदा ढुकवियां बोलांगा बाहरों नहीं, कोई खुदामत नहीं करनी उन्हां दी। ये मैं उन्होंने खुशामद करता पाया मैं निंदा करता पाया जो हकीकत है मैं बयान करता कि जो मनुख की जिंदगी विच ना तो बहुता खाण के नाल प्यार ना सोण के नाल प्यार ना दुनिया के नाल प्यार कोई निंदा नहीं कोई चुगली नहीं बस केवल गुरु घर नाल जुड़े ने गुरु नाल सांझ पाई हुई है होती है बख्शिश होती फिर तेरी नित देव है। कहते फिर तू नित नाम की दात दिना देवै चढ़ै सवाया सवाया दे वो चीज़ दिन पर दिन बधी जाती है जिमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं होंगे चक्रवर्ती ब्याज ब्याज के ब्याज ब्याज के ब्याज ब्याज के ब्याज इंज परमेश्वर जदों जीव की झोली विच खुश हो के नाम की दात पा दिंदा है ना। तो मैं अपने गुरु ग्रंथ साहब जी के वचन थोड़े सामने लियावां खावो खर्चो रल मिल भाई टोट ना आवे वध दो जाई। परमेश्वर का नाम का खजाना ओ भोजन है जो शकन दे नाल वरतान दे नाल वधदा चलिया जाएगा कदे थोड़ नहीं पै सकती कदे थोड़ नहीं पवेगी दिन पर दिन एदे विच वाधा। तू बख्शीशी अगला नित देवै चढ़ै सवाया वडियाई वड्डा पाया। धन गुरु नानक साहब कहन लगे भलिया इत्थे परमेश्वर की वडियाई करन दे नाल ही वड्डापन महसूस हुंदा है क्योंकि परमेश्वर का अपना एक बिरद है अपना एक सुभा है। जो परमात्मा नूं वड्डा वड्डा कहेगा परमेश्वर वड्डा है परमेश्वर वड्डा है। मेरे गुरु नानक पातशाह कहन लगे वो एक दिन आप वड्डा बन जाएगा। आखो सतनाम जेकर थानू यकीन नहीं ना आया गल ते मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का एक महान अमृत शब्द थोड़े सामने लियावां सुन वड्डा आखै सब कोए केवट वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। हे बालक जड़े तैनू वड्डा वड्डा आखदे ने एक दिन तैनू वड्डे कहण वाले आप वड्डे बन जांदे ने। आखो सतनाम वड्डे कियां वडियाईयां किश कहना कहण न जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए साई कार कमामणी धुर छोटी तिन्ने पाए नानक एकी बाहरी और दूजी नाही जाए। पर
जिन्हां गुरमुखां नूं इह समझ आ जावे इह जग सच्चे की है कोठड़ी, जिन्हां नूं इह गल दी समझ आ गई इह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। धन गुरु नानक साहब कहन लगे भाई इह गुरमुखां दी अवस्था हुंदी आ, गुरमुख जन संसार तो भवजन सागर तो चले जाते ने की करके अपना जीवन नूं सवार के जीवन नूं सफला करके। गुरमुख भोजन भाओ, गुरमुख भोजन भाओ चाओ अलल्या, कहते गुरमुखां दी खुराक होंदी है भोजन, छकते ने वह भी कहते की है जी। मैं पहला धन गुरु अर्जन साहब जी का वचन थोड़े सामने लिया वा, थोड़े विच बड़िया रूहां बैठिया ने जिहड़ियां नित जपदियां ने ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नित जपण वालिया बैठिया ने कि पर जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी का भोजन है वह की है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने आख्या गुरमुख भोजन भाओ प्यार, जिहड़ा गुरमुख का खुराक है ना वो की है प्रेम है। प्रेम तुसीं सवैये पढ़े होणगे नितनेम ते नित्ती पढ़दे द्वै प्रसाद सवैये, नौवीं पौड़ी दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने इस गल नूं बिल्कुल क्लीयर किया होया है गुरमुख भोजन भाओ। ये गल नूं व्याख्या करके मैं तुहानूं सुणा देवां, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सारे चेते है ना पर शुरू तो सुन लो, कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो, पास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो पैस बितायो, साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने भाई जिहड़ा गुरमुख का सुभा है ना, गुरमुख की खुराक है वह की है गुरमुख भोजन भाओ, उन्हां दी खुराक है प्रेम। ते प्रेम किनू कहते, किनू कहते ने प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम कहते हैं परमेश्वर के नाम के विचों ही प्रेम पैदा होता है, वह है प्रेम। गुरमुख सच्ची आशकी जा रत्ते सेई जे मुख ना मोड़न, जिहड़े परमेश्वर के सत्ते सच्चे आशकी ने जिहड़े सच्चे आशिक ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करते ने भलिया उन्हां दे जीवन दे विच बस एक परमेश्वर ही सब कुछ है, उन्हां दे जीवन दी खुराक है प्रेम। ते गुरमुख निहचल चित ना हल्लै हल्लिया, जिन्हां दी अवस्था जिहड़ी होंदी है ना चित, जिन्ने मर्जी लालच जे छड्डीए जिन्ने मर्जी लालच जे छड्डीए, मैं इशारा करां गुरमुख चित ना हल्लै भी उन्हां जिहड़ा चित वा वह अडोल है, डिगै ना डोलै दिल कर रहे हो, डिगै ना डोलै दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रपतानी। दूजे पासे मैं एक थानू उदाहरण दे रहा, जदों 84 दे विच शाका नीला तारा, तुहानू सारिआं नू पता तुसीं बुक्कां भी पढ़िया होणियां भी सरकार ने संत जरनैल सिंह खालसा भिंडर वालियां नू किन्ने लालच दिते, पता है ना सारिआं भी किन्ने लालच दिते। गुरमुख निह चल चित ना हल्लै हल्लिया, उन्हां दी जिहड़ी अवस्था हुंदी है फिर वह डोलदी नहीं, ना वह विकारां विच डिगदे ने ना माया उन्हां नू डुला सकदी है, उन्हां दा जिहड़ा चित है ना वो सदा वास्ते टिकया रहता है परमेश्वर दे विच, उन्हां नू समझ फिर आ जाती है करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोए, नानक तिस बलिहारण है जल थल महियल सोए, उन्हां नू समझ आ जाती है।
अगले पासे गुरमुख सच अलाओ भी जिहड़ा गुरमुख हुंदा है अलाओ बोलना भी उह सच ही बोलदे ने झूठ नहीं बोलदे सचो ही सच निकलिया उन्हें पता हुंदा ना इस गल का कि सच बोलण दे नाल गल बणूगी झूठ बोलण दे नाल गल नहीं बणदी सच ही बोलना पैणा है गुरमुख सच अलाओ भली हूं भलिया कहते जीवन विच गुरमुख दुनिया का भला मंगते ने बाणी के फैसले नाल नाल लैके आप दो मिनटा भी समाप्ति करनी है दो मिनट बाकी ने अपने को बस फरीदा बुरे का भला कर पढ़ते हैं आप फरीदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्लै सब किश पाए समाप्ति करन तो पहला मैं एक सलोक कह के समाप्ति करांगा समझण वास्ते समझण का यतन करियो बंदे के अंदर एक सियाणप है गुरमुख कदे ये नहीं कहता भी मैं गुरमुख हाँ ते मनमुख ये कहेगा कि मैं गुरमुख हाँ गुरमुख नहीं कहेगा कदे दावा नहीं करता बाबे फरीद ने एक बचन आख्या फरीदा जेतू अकल लतीफ एक काम कर दो नहीं एक समाप्ति ये बचन कह के भी जाते अकल का काम कर परमेश्वर की गल मन परमात्मा की गल मन अकल अकल लै दो कम की करदा है एक पासे अकल भी वरतदा है दूजे पासे काले काम भी करदा है कहते एक काम कर भलिया जाते अकल लतीफ जेकर तू कहते भी मैनू अकल है मैं गुरु को अकल लै ली तो फिर काले ले तू लिखे फिर काले ने क्यों लिखता दो गल नहीं ना हो सकदियां इको वक्त के इको म्याण के दो तलवार किवें पैणगे इको गल होगी जाते गुरमुख जा पर मनुख दो पक्ष खेलता है जो संगत बच्च है फिर गुरमुख बाहर चलिया गया फिर मनमुख इंज नहीं गुरु साहब ने फैसला दिता एक जीवन बना जाते अकल लतीफ काले लिख ना लेख जेकर सिख है तो फिर लेख काले ना लिख आप नड़े गिरीवान में सिर नीमा कर देख झाती मार के देख मना मैं की करदा किसी नू नहीं अपने आप दे विच झाती मार के देख भी मना मैं की करदा मैं की हाँ धन गुरु अर्जन साहब जी का अमृत शब्द के वाहिगुरु जी तेरी बख्शिश दे नाल ए जीवन प्राप्त होया भई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नकाम मेरे साध संगत भज केवल नाम गुरमुख जन परमेश्वर के चरणा विच एहो ही अरदास करदे ने अपां अरदास दे शब्द कह के ते समाप्ति करांगे सारिया ने प्यार नाल ए शब्द कहने ये अरदासमई शब्द है तोसो ना नाथ वाहिगुरु तोसो ना नाथ अनाथ ना मोसर यह अरदास सारे करनी सारिया ने करनी अज माता शविंदर कौर जी की अंतिम अरदास दे विच हाजरियां भर रहे सतसंगियो सारे ये अरदास करके जायो बिरकी कले ना हो गई जन की अरदास उन्हां दी आत्मा दी भले दी अरदास इंज करनी है तोसो ना अनाथ अनाथ ना मोसो अनाथ ना मोसर वचना नूं तुसीं अर्थ अपने आप कढ के रहना तोसो ना दानी भिखारी ना मोसो तोसो ना दानी ना मोसो भिखारी मोसो ना दीन दयाल ना तोसर भाई साहब भाई गुरदास जी की वार है एक मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन पहला थोड़े सामने लिया भगत रविदास जी ने इतने एक बेनती की मालक हमसर दीन हमसर दीन ये गुरमुखा की अरदास होती है दयालना तुमसर कहते मैं दुनिया में ध्यान नाल वेखिया कि कहते मेरे वर्गा दीन कोई नहीं दीन छोटे नूं कहते
छोटा कहो अपने आप नूं कोई, पर गुरमुख जन अपने आप नूं छोटी कहो छोटी निवैस गोरा होए। हमसर दीन दयाल ना तुम सर, कहिंदे मेरे वर्गा दुनिया विच दीन कोई नहीं ते तेरे वर्गा दुनिया विच दयाल कोई नहीं। आखो सतनाम ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਤੋਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਿਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ, ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਪਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗਣ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਪੂਜਨ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਮਾਧੋ, ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੁ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ, ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਧ ਨਿਵਾਜੇ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਰਨੇ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਮੋਰੇ ਹੈ ਅਵਗਨ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸਾਗਰ, ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਮਾਲਕ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕਿਆ।
ਫਾਤਿਮਾ ਜੀ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਚਿਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ
ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੰਖਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਓ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਪੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀਓ ਦਰਦੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੱਲੇ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 5100 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਉਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀਓ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
पूरन पैर रखाई। मन बिलास पाए साहिब के अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभु पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। हुण भाई बेनती है प्रिंसिपल ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾੜਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਪਿੰਡ ਨਾਥੇਵਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਭੈਣ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਵਾਈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ MA BEd ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਗਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਬੱਬ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਰਲਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ
सरदार महेशिंदर सिंह जी निहाल सिंह वाला, सबका MLA अजीत सिंह जी शांत, विधायक श्री दीप मल्होत्रा फरीदकोट, संसदीय सकत्तर सरदार अवतार सिंह जी बराड़, MLA हलका कोटपुरा, सबका मंत्री सर हरी सिंह जी जीरा, MLA जीरा, सर जोगिंदर सिंह जी MLA फिरोजपुर देहाती, बीबी परमजीत कौर जी गुलशन, सबका मैंबर पार्लीमेंट फरीदकोट। तो हुण मैं बेनती करांगा सिखां दी मिनी पार्लीमेंट दे मैंबर सत्कारयोग सतपाल सिंह जी, मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तलवंडी भाई माता जी श्रद्धा दे बोल भेट करांगे। साथ सतपाल सिंह गुरु प्रसाद संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहा जीरी लिखिया तेह हुकम कमाए कले आए नानका सदे उठ जाए, मरन लखाए मंडल में आए। सत्कार जो बीबी सुरिंदर कौर जी इस संसार ते आए, अपने स्वासा की पूजी भोग के गुरु चरणों में जा विराजे। आप सारे रिश्तेदार साख संबंधी नगर निवासी इलाका निवासी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने लिए उन्होंने अंतम अरदास में शामिल होने लिए सारे इतने एकत्र हुए। गुरु का भाणा भाणा मनिया पैंदा है पर किता कुछ नहीं जा सकता। आप सारे अरदास की कि बीबी जी ने अपने चरणा चनवास बख्शे। इस परिवार बारे ज़्यादा दसन की लोड़ नहीं, आज का इकट्ठ ही दसदा इस परिवार का भी इस इलाके इस नगर में बहुत मान सत्कार। साढ़े जैलदार परिवार जिन्हों का उत्थे भी साढ़े इलाके साढ़े पंजाब बहुत मान तो सत्कार है, क्योंकि असी इको ही परिवार नाल इन्हों का परिवार है। क्योंकि साडा बहुत ही आपसी मेल मिलाप है कि जदों का भी मैं इलैक्शन लड़ रहा श्रोमणी कमेटी का, ये श्रोमणी अकाली दल की हमेशा मदद करते हैं, दास जी भी हमेशा इन्होंने मदद की है। बाकी जो वाहगुरु का हुक्म है भाणा मनना पैंदा, बीबी जी के जान का दुख तो है पर किता कुछ नहीं जा सकता। आपां तां अरदास कर सकते सच्चे पातशाह उस विछड़ी रूह नूं अपने चरणा च निवास बख्शी, पिछे परिवार को रिश्तेदारों को साख संबंधियों को भाणा मन का बल बख्शी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी। सर जसवीर सिंह मौजूदा सरपंच पिंड नाथेवाला, मास्टर हरफूल सिंह जी नाथेवाला, सर अवतार सिंह जी हेयर रिटायर्ड जिला अटारनी फिरोजपुर, मैं इन्होंने भी हाजिरी लवाना। कुछ शोक संदेश आए ने RTI एसोसीएशन मुदकी, RTI एसोसीएशन कोटपुरा, RTI एसोसीएशन बाघा पुराणा, RTI एसोसीएशन तलवंडी भाई। कुछ स्कूलों के शोक संदेश आए ने, वीर सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नथूवाला यानी गुरबचन सिंह खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलूर, संत मोहनदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटसुखिया, GN कॉन्वेंट स्कूल कलूर। मैं हाजिरी लवाना नावलकार नछत्र सिंह प्रेमी नाथेवाला। धनवादी हाँ सरदार बेअंत सिंह गिल पत्रकार अजीत, सरदार गुरतेज सिंह जो विशेष तौर पर फास्टवे चैनल तो इतने पहुँचे ने, फास्टवे चैनल वाल भी धनवाद। सिख कौम के नतड़क जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का शोक संदेश लैके विशेष तौर पर पहुँचे ने, कौमी वर्किंग कमेटी मैंबर जथेदार सरजीत सिंह जी अराइयां वाला उन्हों का भी धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा सरबत खालसा के मुख प्रबंधक अते किसान विंग पंजाब के प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सरदार जसकरन सिंह जी कान सिंह वाला
वह आके माता श्रद्धा के फुल भेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी सदागर लाल सिंह के नाल काफ़ी लंबे समय तो मित्रता है। सरदार जसकरन सिंह जी कान सिंह वाले ग्रंथ साहब की हजूरी दे पूरे मनुखता की गुरु की हजूरी दे जिस गुरु की हजूरी बाबा दीप सिंह हरिमंदर साहब को आजाद कराने लई सिर वड्डे तो लड़े ने उस गुरु की हजूरी दे जिहड़े गुरु की हजूरी दे विच अरदास करके बेनती करके जोधड़ी फरियाद करके वीवीं सदी के महान जरनैल संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम के खिलाफ पत्र घंटे लड़े ने उस गुरु की हजूरी दे विच मेरी माता के समान माता शविंदर कौर की अंतम अरदास शरदा दे फुल भेट करना ही गुरु रूप खालसा सतसंग जी मेरे परम सन्मान योग बाबा जी गुरजंट सिंह जी सलीने वाले मेरे तो पहला बोल के गए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर सतपाल सिंह जी तलवंडी सरजीत सिंह जी अराइयां वाला सतेज की सेवा निभा रहे सरदार अवतार सिंह जी खोसा साहब वक् वक् पिंडा तो आए पंच सरपंच साहबान वक् वक् सियासी पार्टियां के नुमाइंदे साहबान मेरिया सत्कारयोग भैन मेरिया सत्कारयोग मातावान गुरु घर के कीर्तनी गुरु घर के वजीर ते गुरु रूप खालसा सतसंग जी सब तो पहला गुरु महाराज का बख्शा होया नारा बुलंद करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप सच्चे गुरु की हजूरी दे विच सारे जने बैठे हैं पूरी मनुखता ने गुरु की हजूरी च बैठे हैं तो सच्ची जगह पर बैठे हैं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी भी सानू सच का उपदेश देंगे ने ते सच्चे घर च बैठे हैं क्योंकि गुरु का घर भी सच्चा घर है ते आपां अज समागम भी उस बैठे हैं कि जिहड़ा समागम भी सच्चा है क्योंकि मौत जिहड़ी अटल सच्चाई है ते आपां सच्ची जगह पर बैठे हैं सारे जने ते जे आपां सच्ची जगह पर बैठे हैं फिर सानू सच ही बोलना चाहिए सच्ची परे च गल करनी चाहिए है सच्ची पंचायत गल नहीं करनी चाहिए है सच्ची जिहड़े धर्म च पैदा होए हैं उहदी गल करनी चाहिए है तो सच्ची पंथ की गल करनी चाहिए है तो फिर सानू सच की ही सदा गल करनी चाहिए है कि बाणी दे विच लिखे है कि सिद्ध ही आग सच जगात सच है भी सच नानक हो सी भी सच महाराज कहते हैं जे गुरमुखो तुसी सच्ची गल करोगे सच्चे मार्ग पर चलोगे तो फिर महाराज तुहानू की देणगे तो महाराज कहते हैं सच्चे मार्ग चल रहा उस्त करे जहान महाराज ने फिर झूठ की गल नहीं की उन्होंने सच की गल की है। माता जी उस वाहेगुरु के हुक्म के मुताबिक इस जहान आए सन जिनी भी उन्होंने स्वासन की पूंजी उस अकाल पुरख ने बख्शी है वह भोग के चले गए नहीं बाणी कहती है घल्या वे नानका सदे उठी जाए वह घलता है तो जब हुक्म बुलावा तो चला जाता है। महाराज कहते हैं मरन लिखाए मंडल में आए कहिंदा फिर ही इत्थे आओगे पहला बंदे का मर लिखा जाता है तो फिर महाराज ये भी कहते हैं जो आया सो चल सही सब को आई बारी है जिहड़ा इंसान इत्थे आया उन्हें एक दिन चले जाना तो महाराज कहते ने फिर कहते ने जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जे तक शाय महाराज कहते ने जो तुहाडे जिउंदे जी तुहाडी पत इज्जत लै जावे तो फिर तुहाडा जिउणा भी हराम है तो महाराज फिर दसा की किरत बारे भी कहते हैं। महाराज कहते ने किसानी किसान करे लोचा जियो लाए हल चुत उत्तम करे मेरा पुत धी खाए दसा नौ की किरत बारे गुरु साहब कह रहे हैं। तो फिर जे गुरु साहब किरत की गल करते हैं गुरु साहब सच की गल करते हैं गुरु साहब सानू उपदेश देंगे ने तो फिर सारा जीवन अपन सच के आसरे
ਨਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਰੂਪੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਘੋਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸੀ ਬਗੀਚੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਗੀਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਰਦਾਸ ਚੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਦਾ ਕੌਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਢਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਰ ਸ਼ਵੇਰੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਸਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੇਖਾ ਚੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੀਚਾ ਇਹਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੋੜਾ ਪੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਤਾੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਘੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਭੋਗ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਜੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਲੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸਰਾਂ ਰੂਪੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1469 ਈਸਵੀ 'ਚ ਰਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਧ ਧੁੰਦਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ 1469 'ਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਜੱਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਹ ਚੜਾਉਣੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈਦਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸੀ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੌਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
गुरु अंगद देव जी उन्होंने सानू गुरमुखी लिपि दित्ती। तीजे पातशाह आए उन्होंने संगत ते पंगत जिहड़ियां बीबियां घुंड कढ़दियां सन गुरु अर्जन देव गुरु अमरदास जी ने घुंड की प्रथा चुका दित्ती, चुका के बराबर दिता संगत ते पंगत दित्ती। चौथे पातशाह ने सानू हरिमंदर साहब दिता, छेवें पातशाह ने सानू मीरी पीरी श्री अकाल तख्त दे दिता, सत्तवें पातशाह अठवें पातशाह गल लंबी हुंदी है, नौवें पातशाह ने सीस दे के दूजे धर्म नूं बचा लिया, ते दसवें पातशाह ने सानू की कह दिता उन्होंने 1499 विसाखी वाले दिन 1469 चो बाद 230 सालों के बाद उन्होंने कहा उन्होंने खंडे बाटे का अमृत तैयार करके सानू सिखी दे लड़ जोड़ दिता। अज 547 साल हो गए ने सिख धर्म होंद विचाई 1517 साल हो गए अमृत की ताजती अज आप सिखी वंड दिता है। बाल माता जी ने श्रद्धांजलि होगी अज आप पता की कहते ये तो कहते हैं अज का माझे का सिख आ गया, ये मालवे का सिख है, ये चोर सिख है, ये नाई सिख है, ये अमरीका का सिख है, ये कनेडा का सिख है, ये मजहबी सिख है, इंग्लैंड का राजस्थान का सिख है। असी सिखी वंड दिता, गुरु साहब ने 230 साल सिखी इकट्ठा करके एक लड़ी च परोया, खंडे बाटे का अमृत छका दिता। असी 317 साल धज्जियां ला दित्तियां ते गुरु साहब दे विच मैनूं एक भी पंक्ति दस दो इहदे विच माझे दा जां मालवे दा जां कोई सिख। इस करके सानूं माता जी नूं सच्ची सुची श्रद्धांजलि यह होगी कि आप गुरु ग्रंथ साहब के आशय के मुताबिक चल के गुरु गोबिंद सिंह ने की कहा सी सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट ग्रंथ की दे उस गुरु के मगर लग के माता जी ने यह सच्ची श्रद्धांजलि कि आप गुरु के सिख बन के एक लड़ी में प्रो के आप पंथ कौम की सेवा करके जिहड़ी दिल्ली है जिन्हें पांच वारी दिल्ली ने अपने दरबार साहब पर हमला किया 1984 तक पांच वारी दरबार साहब के हमला किया। इस करके दिल्ली कदे सिखा की हो नहीं सकती। माता जी ने यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि आप जबर का मुकाबला सबर ना करके सारे अमृतधारी होके खंडे बाटे का अमृत तैयार करके आप लड़ी के परोईए, क्योंकि जिन्होंने भी अमृत छकिया क्योंकि जिन्होंने घरे सिखा का जन्म होया उन्होंने अमृत छकना बड़ा जरूरी है। यह भी सानू सेध है कि जो बच्चा पैदा होंगे उदो आप कोई गुड़ती चाचे की दे दिता है, कोई ताए की दे देना, कोई मामे की दे दिता है। इस करके बच्चे जन्म वाले भी आप जपजी साहब का पाठ करके पतासे रख के बच्चे गुड़ती बाणी की देनी चाहिए कि उस बच्चे की मत गुरु वर्गी हो जाए, क्योंकि यह गुरु ने सानू दिता। इस करके माता जी ने सच्ची सुची श्रद्धांजलि है कि आप गुरु के सिख बनीए। मेरे को संगत के खिलाफ कोई शब्द वध घट करते संगत बख्शन देव है। मैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान जो कौम के महान जरनैल है उन्होंने हाजिरी लगा हो खिमता जा चुका, मेरे को संगत के खिलाफ कोई शब्द वध घट गया हो संगत बख्शन बुला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उदा सिंह बराड़ प्रधान कांग्रेस कमेटी बाघा पुराणा सबका मंत्री सर दर्शन सिंह बराड़, हुण मैं बेनती करदा धन धन श्रोमणी शहीद बाबा लाल सिंह जी खोसा की याद में सुशोभित गुरद्वारा साहब शहीदगंज सलीणा के मुख सेवादार परमहंस संत गुरजंट सिंह जी सलीणे वाले माता जी को श्रद्धा के फुल भेंट करेंगे। परमहंस संत गुरजंट सिंह जी सलीणे वाले सतवंते गुणवंते यशवंते धनवंते वास्ते दस फतेह अर्ज करता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक अखर का शब्द है मां, एक अखर का शब्द है मां, उत्तम रिश्ता सुचा ना। स्टेज कतर बोल रहे सन प्रोफेसर मोहन सिंह जी की बात, मां वर्गा घनश्यावा बूटा कदे ना किधरों जा लैके जिस तो शामधारी रब ने स्वर्ग बनाए जड़ा पुटिया सब बूटे सुख जाते एप्पल फुलों के मुरझाया यह बूटा सुख जाता आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी इनी माया राजे रैयत सिकदार कोई ना रहे सी हट पटन बाजार हुक्मी टैसी संसार जीवत ते निर्जीवत
सब नाशवान है। नाशवान संसार विच प्राणी वाहिगुरु के दिते हुए श्वासों लेके आता है, जैसा कि फरमान है जिहा चीरी लिखिया, ते फिर वह कमा जाता है, भुगत जाता है अपनी दिती हुई प्रलभत जो जन्मा जमांतरा तो उसके अंतशा करने नाल पूरी आती है, वह भोग जाता है तो फिर चले जाता है, वह हुक्म आ जाता है फिर चले जाता है। सब ने जाना है मौत एक अटल सच्चाई है, मौत भी मदार के असनी कमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस पे हैं, पीर रूप गबर के ते करे ना पर ते भूमि के होए के भूमि मिले रहे ना पावे सुर ना देवा उठ सिधारे कर मुन जन सेवा। काल पाए बर्मा बक्तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विश्व प्रकाश सकल काल का किया तमाशा, सारी प्रकृति सारे ब्रह्मांड सारे संसार उदा बनाया हुआ जग तमाशा जिंदगी के मौत ना चलता है। ख्याल करो कि जिंदगी ही जिंदगी हो तो मौत ना हो, कभी किसी ने सोची जो मौत ना हो तो केवल जिंदगी हो तो सारी जिंदगी कैसी होगी, कदे नहीं किसी ने सोची। तमाशा कहते सकल काल का किया तमाशा, ये सारा जग तमाशा उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का बनाया हुआ है। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब था पकेंगे, ब्रह्म हेसर विश्व सचिव पत अंत फसे जम फास रहेंगे, जेता श्री पत के पश है पग तेनर फेर ना दे तरेंगे। जिड़िया मैं गल् कहनिया सी मेरे तो पहला बहुत ही सत्कार योग उदारे सत्कार योग सरदार सतपाल सिंह जी होने अपनी निजी सांझ परिवार ना और बीबी जी देके परिवार ना जताई, सरदार जसकरण सिंह जी सरकारित हस्ती पंथ दी उन्होंने अपने तौर पर सिखी दी गुरमत दी गुरु आशे की जिंदगी मौत की गल की, बहुत ही विद्वान अते सत्कार योग भाई साहब भाई सतेंद्र सिंह होर ने जो कहा उस बाद मैं कोई बोलता सोचता नहीं। मैं खुशी हुई जो मैं पहुंचा तो मैं सुन रहा सी कि बुलारा गुरमत की रोशनी इन दी लाइन लाइन लाइट ऑफ गुरबाणी गुरमत की रोशनी पंक्तियों को व्याकरण के मुताबिक बोल के मैं देख रहा भावें मैं बहुत ज्ञाता नहीं तो समझ रहा सी एक शब्द है कि व्याकरण के मुताबिक सही बोल के उन्होंने उलथा करके साड़ी रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत सारे पक्ष उन्होंने छोड़े इन्ने पक्ष मैं छोड़ा कोई कीर्तनियां या बुलारा देखा नहीं सारे पक्ष छोड़े उन्होंने। तो उस बाद मैं कुछ कह तो बहुता सौदा नहीं पर मैं कहा गया कि जरूर कहना है तो फिर मैं कहना ही पैना है। ऐसो ही संसार देखना रहना को बजारे सूदे सूदे रे चलो तुम नत्र को धक्का दवैया धनवंता और निरतर मनी ताकि कशुना कानी रे राजा प्रजा सम करवा रहा है ऐसो काल बनानी रे हर के सिर जो हा पाए दिन की कथा निराली आवा न जाए कभू न मरते पार ब्रह्म श्रृंगारी रे। बीबी सिकरंदर कौर मैं ना कहा मैं तो बहुत छोटे से मैं जिंदगी के क्षेत्र में साथ था परोक मां सी जननी सी पागा वाली सी धी थां धी सी उहदे कोले पोती दा पुत सी सरदार बलजिंदर सिंह शहर सरदार जी उहदा नाम है वो अज कल महसूस कर लगी अज तक तो भैन भाई आउंदा सी इस तों बाद बड़ा औखा हो जांदा है बुढ़ापे जिंदगी दे साथी दी जीवन साथी दी पहला वाली उम्र नालों बहुत लोड़ होंगी क्योंकि दुख ते सुख उस नाल ही साझा किया जा सकता है। उस तो पहला लोड़ां गरजां जिंदगी विचरते होर ढंग तरीके होंगे ने पर बुढ़ापे जे सुख मिलता है किसी बजुर्ग नूं दो चीज़ां तों मिलता है संतान नूं देख के
जीवन साथी दे कोले बह के संतान ते वाहिगुरु ने दिती है, पर जीवन साथी सरदारां दा नहीं है। ख्याल रहे विशेषक शास्त्र विच प्रमाण है, लिखत ऐसी है, जैसे गुरु साहब ने तो सही करता, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, हर इंसान जो संसार से आया है, पहला गुरु की मां है, दूसरा गुरु बाप है, मां ते बाप नु गुरु जान के सेवा करो, रब हाजिर है। जे सेवा नहीं करते होर धार्मिक कर्म कांड फसे हो भावे कोई हुआ निफल है। जिसमें शक्ति की बात कर रहा है, उस वर्णन किया गया कि छियानवे करोड़ पाप, छियानवे करोड़ पाप बराबर एक ब्रह्म ज्ञानी की हत्या। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जो ब्रह्म की बात करता है, ब्रह्म भक्ता है, ब्रह्म ऋषि नहीं है, ब्रह्म सुरती नहीं है, वो अवस्था नहीं पाई, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भक्ता है, जानता है, गल करता है, कहते वो भी हत्या छियानवे करोड़ पापा के बराबर है, माता के पिता। ख्याल रहे सारे संस्कार हो, माता के पिता का तिरस्कार, उन्हों का अपमान, सौ ब्रह्म हत्या के बराबर है, सौ ब्रह्म हत्या के। एक होर उ विशेषण, कन्या मारना, मैं वो गल कर रहा, कन्या मारना हजार ब्रह्म हत्या के बराबर है। कितने खड़ी हैं? विषय होर है, मैं गल कोई होर कर रहा, मां की गल करनी, मां वर्गा नहीं बूटा मिलता कित। माता राज कौर रणजीत सिंह महाराजा की मां हुए, उन्हों का जन्म संगरूर के नाल पिंड है, बट रुखा बस्तुआ गुरुद्वारे के संगरूर के विचकार, सरदार के घर होया कड़े की पा के नफता, उधर शाह फकीर रोइया चुनता फिरता से आया, आगे आवाजा दिता, सरदार कहता ओ किवें है तू बई, अभी बोलते सरदार, सरदार कहता रिश्ता बोले ना किवें गुदड़ा फिरता, उन्हें कहता तेन जमन मर तो बचा आया, फकीर फकीर होंगे सरदार वाली साहब की अपो पर संत ने किस तो लेना है, कोई कहता तेरे जमन मर तो बचाना है, सरदारा मैं बताऊं मैं की कीता है, बंदियां ने बैठा सी कहंदे ओ कुड़ी जेड़ी तू घड़े पा के नत्ती है कड विवाह नहीं पेगी सरदार, इस ते कुखों ओ सस्ती ने जन्म लेना है जो इतिहास पर देगा। तुसी इतिहास दी बातां सुनियां, सतेंद्र सिंह जी हो रहे विद्वान, ऐसी गल जो मैं थोड़े सामने पेश कर रहे, कई भी दसते हैं कि सोमनाथ के मंदिर की चंदन की चांदी के झोल वाली जोड़ी जो गई लै गया से लुट के उतों लिया के हरिमंदर साहब की दसवीं दो जी सजा दी, मां ने रणजीत को कहा, रणजीत बड़े दिन होने मिले नहीं, सारी मां नूं ध्यान रखा, पुत्र मां कहते तू मिले नहीं, वो राजा है जवान है, कहता मां दस की चाहिए, हीरे जवाहरात सोना चांदी नौकर चाकर, मां की ममता पुत्र नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, कहता मां दस की चाहिए, मां कहती मनेगा, कहते हां मैं थोड़ी गल नहीं बोलना, कहते पुत एक रात मेरे नाल समझा, मां बहुत सूझवान सी, पानी की गड़की सराने रखी है, राजा आया है, माता की बांह के सिर रख के सौ गया रणजीत सिंह, जब सौ गया माता ने हौली हौली रिसका के बांह कट ली, बाहर बैठी आता गुरमंत्र तो जाप करती रही, मां तो याद नहीं रही होगी, मेरा पुत मेरे को चाहता, मां याद नहीं आती, जाप करती रही, थोड़ा जहा पानी तराउता बिस्तरे से, जब पानी तराउकिया राजा चार बजे उठा नहीं, कर मैंने वेड़ दिया छेती जगया, माता ने उठ कितने तकड़ा वेड़ है, फरियादियां ने आना है, दरबार लगना है, कदम आनी आँगी है, फिर ठाया फिर ना उठा, तीजी बारी मां सीना कन्न फटके कर बैठा, दस कितने पानी,
मां तेरा इस तरह केला सी मां कहती है ये केला कि मां कहती ऐस गर्मी चो मैं पानी त्रौकिया सी चार बूंद तू बेचैन हो गया ते बचपन में तू सारे बोले मूत मूत के पंजाबी बोली मार गई थी बोले मूत मूत के ते उन्नस है जब सारे बोले कितने हो जाते सी मैं तेन अपनी छाती से पा के बिगा रखती सूँ दे मेरी ममता का दिल की दिना है सच आम हरे कहानी कर मां भुल होगी गलती होगी और अपने आप जिंदा मार नहीं गया क्या माता एक मेरी मंग है क्या दस एक रात नाल पालिया कर मां की आशीष तार जाती है इन्हों को मां हैगी है ना आशीष ले लो याद रहे साड़ा समाज पुरख प्रधान है माता राजगुर भी घड़े पा के रखता सी अज तो सुख नाल जो हो रहा है मैं ना ही कमा तो चंगा डरता मैं हो गई जिन्हें भी ग्रिस्तियां कोई बाहर डरे ना मारे घर भरते हैं कि साल आ गए वो किधर जा रहे हैं दुनिया वाले सुख भरते हैं नहीं सानू कोई गौर करियो कल मार के दी जटकी है गुस्सा करियो सानू कोई ओए तेरी कुड़ी कह देते बंदा मार देने अगली गल नहीं बोलने दे ना 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 तेरी की जो तो बोल दे ते कुड़ियां ना ता पार दी पर जाने है गला नहीं गली रेनी तो सारी कुड़ियां मर के गल पड़ गई किधर नु जाया समा समय नु सांभो समय दे वास हो ओ गुरु सिखो पुरुना ते बंद करके अखीर ते बस यही कहा कि वाहिगुरु कृपा करो पाशा कहते असा भी उठे जाना कितने जाना है गुरु नानक देव महाराज कहते असा भी उठे जाना मारूदास पंचम पातशाह राग गोविंद कहते जिथे जाना ना तैं ते मैं सबने जे मार के गणे जाए ना कोसा बहुत लंबा पंथ है कुछ रह के बाकी ने चले जाना है जे मार के गणे जाए ना कोसा हर का नाम वहां संग कोसा जे पेंडे महंत गवारा हर का नाम संग जियारा जहां पंथरा को ना सयानू वो तेरी सिफारिशें करनिया हर का नाम ते नाल पछानू ते वहां पया दूध जम दला ते केवल नाम संग तेरे चला भाई सुखिंदर सिंह राणा जी तो हुकमनामा लैण तो पहला मंगला चल जिंदगी का तत्सर बताता तत्सर बताता सिमरो सिमर सिमर सुर पालो कल कलेश तन माहे मिटा दो दुख कलेश कमियां पेशियां पीड़ा दर्दा लोड़ा गरजा तेरिया सारिया पूरी हो जाएगी जे तू उस प्रभु परमात्मा अकाल प्रभु याद कर रहे हैं अखीर मेरी बेनती करता कि सबको रहमत करो माता जी को चरणा चढ़ा दियो प्रभा भाणा मन का बल बख्शो करो बेनती सुन मेरे बीता संत टैर की बेला यहाँ खार चलो हर माह आगे बसन सुहेला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु हम मैं लास्ट विच बेनती करांगा परिवार का धन्यवाद करेंगे सिख प्रचारक भाई जगजीत सिंह जी खाई परिवार वालों आई हुई संतों का धन्यवाद करेंगे परिवार वालों हुक्म होया बस दो मिनट श्रद्धांजलि समागम बाकी रह गया पर मंसर मांजो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी विच बहुत ही सत्कारयोग माता अज असी उस महान माता की अंतिम अरदास पहुंचे हाँ जिवें साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी होरां दे प्रचारकां ने आप जी होरां दे विचार सांझे कीते है कि माँ के जन्म के नाल एक हवा बजा जो पूरा नहीं किया जा सकता पर जो परमात्मा का हुक्म है पाना है उस मानना पैंदा है मेरे हुक्म होया सिर धन्यवाद करने का तो मैं बेनती करांगा सारी संगत के चरण के सब तो पहला सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का कोटां कोटां धन्यवाद जिन्हां दे छत्र छाए सारी संगत ने कीर्तन सरवण किया और अंतम अरदास शामिल हुए हैं और सारी संगत का गड्डिया गहराना के सारे ही परिवार वालों धन्यवाद सारे की हाजिरी सतगुरु अपने दर से प्रबंध करना
सारी संगत को बेनती है कि परिवार के नाल जान लगे मिल के जाना है और जिस संगत ने लंगर प्रसादा नहीं छकिया वो सड़ के जाने की कृपालता कर बेनती मैं परिवार को प्रवान कर रहा हूँ। दोबारा फिर अंतम शब्दों के राही सारी संगत का पूरे सारे परिवार वालों धन्यवाद किया जाता है। संपत साहा देखिया बलगर पाप के सज्जन सिंह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का।